नमस्ते, मेरा नाम देवेंद्र कुमार है, मैं मंसूर से बिलोंग करता हूं और मैं एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के अंदर डायरेक्टर सेलर हूं। सर जी आपका नाम? डॉक्टर जी कुशवाहा। अच्छा, आपको किसको प्रॉब्लम थी? मिसेस को, रेखा कुशवाहा। अच्छा, आप कहाँ से रहते हैं? चंद्रपुरा रहने वाले, भिंडी के रहने वाले हैं। और मंसूर में आप कितने टाइम से रह रहे हैं? मतलब 21 साल हो गए। 20 साल हो गए। क्या प्रॉब्लम थी भिंडी को? ये अटैक वाली प्रॉब्लम थी और पाँव की प्रॉब्लम थी। अटैक की और पाँव की, कितना टाइम से थी? मतलब साल भर करीब। साल भर हो गया, तो एक साल से मतलब आपने कहीं इलाज तो करवाया होगा मैडम का? हाँ, इलाज कराया था, इंदौर में कराया, MY में, और दिल्ली एम्स में कराया। दिल्ली एम्स तक भी चले गए आप? अच्छा, दिल्ली एम्स में कराया तो वहाँ शुगर की और बीपी की प्रॉब्लम थी। शुगर और बीपी की, और अटैक वाली प्रॉब्लम में मैंने सिद्धिविनायक में भर्ती कराया था। सिद्धिविनायक अपना मंसूर सिद्धिविनायक में, वहाँ से मिस्त्री जी का इलाज चला तो वहाँ भर्ती करके मतलब कंट्रोल की थी बीमारी को, फिर भी पाँव की तकलीफ तो दूर नहीं हुई थी। हाँ, तो फिर आपसे संपर्क करके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चालू किया। तो इसमें मतलब बीमारी में आपका अभी तक कितना खर्चा हो चुका है? मतलब 3-4 लाख रुपए करीब। 3-4 लाख रुपए आप खर्चा कर चुके हैं, तो इसमें आपको कुछ आराम मिला नहीं मिला? मतलब इसमें आराम मिला है, 40% आराम मिला। नहीं, वो तो अपने इससे मिला आपको, आयुर्वेदिक से। बाकी आपने जो 4 लाख रुपए बिगाड़े इन डॉक्टरों के पास में एंटीबायोटिक दवाई लेके, तो उससे आप लोग कितना आराम मिला? उससे तो ये कि गोलियां देते थे, समथिंग कुछ टाइम आराम मिलता, फिर वापस गोली का टाइम आता, फिर आराम मिल जाता, फिर गोलियां चली रही, इंजेक्शन लगी रहे। अच्छा, तो आपको मतलब ये आयुर्वेदिक दवाई लेते लेते कितना टाइम हो गया? मतलब 10-11 दिन हुए। 10 दिन हुए। 10 दिन के अंदर कितना परसेंट आराम है आपको? 40% पहले उठ बैठ नहीं सकते थे? पहले नहीं उठ पाते थे, और मतलब सीने में तकलीफ रहती है, सांस लेने में तकलीफ रहती थी। अभी दवाइयाँ चालू की है। अच्छा, तो मतलब बीपी भी कंट्रोल में है और पाँव भी इसके चलने लगे। कौन सी कंपनी दवाई ले रहे सर आप, बताइए? मतलब एक तो ये है। अच्छा, ऊपर उठा। अच्छा, आप एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का डाइबोडोग, कार्डियोडोग और एक थंडर ब्लास्ट ले रहे हैं? थंडर ब्लास्ट। ठीक है, ठीक है। थंडर ब्लास्ट से ये आराम हुआ कि मतलब अपना उठ के काम कर सकती है और चल फिर सकती है। अच्छा, तो अभी बहन जी अपने बोर्ड बैठ के बता देंगे? बिल्कुल, चल बैठे। पहले मतलब ये जमीन तो नहीं बैठ पाते थे? नहीं बैठ पाते, उठ नहीं पाते। अच्छा, जी सर, अभी मतलब स्वयं से उठ नहीं पाते थे? हाँ। अब मतलब ये खुद ही बैठ जाते और उठ जाते हैं, जाते अपना, अपना काम, काम मतलब स्वयं कर रहे हैं, किचन का काम भी कर लेती हैं, खाना। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है ये कंपनी की दवाई लेने के बाद? मतलब अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? मतलब ये अच्छा है, साइड इफेक्ट नहीं होता है, आयुर्वेदिक है, ट्रीटमेंट और कारगर दवा है। कारगर दवाई है। खर्चा? अच्छा, तो वो समथिंग 5.5 दूसरों से कम है कि ज्यादा है? दूसरों से बहुत कम। बहुत कम है, मतलब कम पैसे में आप अच्छा इलाज प्राप्त कर सकते हैं। रिजल्ट मिला अपन, रिजल्ट मिला है, स्थायी रिजल्ट मिला। ठीक है, ठीक है। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा एसलीपीएस वेलनेस के फाउंडर मिस्टर संजीव कुमार जी का, जिन्होंने इतनी अच्छी दवाई बनाई, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब कलयुग में देवता है। बिल्कुल।